सरायपाली में पुलिस ने 30,80,000 रुपए का अवैध परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रहटीखोल में कार सवार दो व्यक्तियों को रोककर वाहन की तलाशी की गई। वाहन के भीतर बैग में 30,80,000 रुपए रखे मिले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में राशि का परिवहन कर रहे दोनों व्यक्तियों से राशि परिवहन करने के दस्तावेज पुलिस ने मांगे, लेकिन दोनों व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई कर रही है। थाना क्षेत्र सिंगोड़ा में सिंगोड़ा थाना और साबर की टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग कार्रवाई के दौरान ओडिशा की ओर से आते हुए कार की चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 30,80,000 रुपए नगद बरामद हुए। इसके संबंध में उक्त वाहन में सवार जो थे आलोक अग्रवाल और शेख कासिम, जिनके द्वारा कोई भी संतोषजनक दस्तावेज या जानकारी नहीं दी गई, इस पर संदिग्ध होते हुए राशि को 102 धारा CRPC के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। इसके संबंध में जो अग्रिम सूचना भी दी, कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष इस प्रकार की कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा